إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں آپ حضرات کے سامنے عبادات سے الگ ہو کر کے معاملات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ ہماری تجارت کس طریقے سے کامیاب ہو جائے اور ایک کامیاب کاروباری کی کیا پہچان ہوتی ہیں، تجارت میں شریعت کے کیا حکم ہیں، اللہ نے کس طریقے سے تاجر کو رہنے کا حکم فرمایا ہے، اس کے تعلق سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئی ہے۔ دراصل ان تمام گفتگو کرنے کا ارادہ علماء کا یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں شریعت اور دین اور اسلام عبادت کا نام ہے، نماز پڑھنے والا شریعت پر چلنے والا ہے، روزے زکوٰۃ حج کرنے والا شریعت پر چلنے والا ہے، ہمارے ذہنوں میں اسلام اور شریعت صرف عبادات پر عمل کرنے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے چار حصے بیان کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ صرف عبادات کا ہے، ورنہ تین حصے اللہ نے معاملات پر منحصر فرمائے ہیں، معاشرت پر منحصر فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات صرف ایک حصے میں ہیں اور معاملات اور معاشرت کو اسلام میں تین حصوں میں جگہ دی ہے، یعنی ایک چوتھائی اسلام صرف اور صرف معاملات سے بھرا ہوا ہے، معاشرت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے علماء کو عالم کے کورس میں ایک بہت خوبصورت کتاب پڑھائی جاتی ہے
जिसको हिदाया कहा जाता है वो हिदाया के चार हिस्से हैं, सिर्फ उनमें से एक हिस्सा जो है वो इबादात का है, और जो हिदाया के तीन हिस्से हैं उनमें मुसन्निफ अली रहमा ने सिर्फ और सिर्फ मुआमलात और मुआशरत को बयान किया है। आप घर में कैसे रहें, आप कारोबार कैसे करें, इसी तरीके से आप लेन देन कैसे करें, आप मीरास कैसे तकसीम करें, आप बच्चों के हुकूक कैसे अदा करें, उन तीन हिस्सों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें बयान फरमाई गई हैं जिनको हम दीन से अलग समझते हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादात के मामले में अगर चाहेंगे तो माफ़ फरमा देंगे, यानी किसी की नमाजों में कोताही, रोज़ों में कोताही, हज में कोताही, ज़कात में कोताही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका तरीका बतला दिया। अगर नमाज छुटी हुई है कोशिश करिए उनको कज़ा कीजिए, नहीं तो दुनिया से जाने से पहले अपने बच्चों को वसीयत कर दीजिए कि हर नमाज का 1.25 किलो अनाज मेरी वरासत में से दे दीजिए, मेरे माल में से तकसीम कर दीजिए। लेकिन अगर इस पर भी अमल ना हो सका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजों के मामलों को इंशाअल्लाह माफ़ भी कर देगा, और कर सकता है, क्योंकि नमाज का ताल्लुक अल्लाह से है, रोज़े का ताल्लुक अल्लाह से है, हज का ताल्लुक अल्लाह से है। लेकिन फरमाते उलमा इकराम कि अगर मामलात के अंदर कोई कमी रह गई, किसी का हक तुम पर रह गया, किसी का हक तुमने दबा लिया, किसी का लेन देन तुम्हारी तरफ रह गया, तो याद रखना इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, बल्कि साहिब मामला से हक अदा कराया जाएगा, उसके पैसे दिए जाएंगे, उसके बदले नेकियां दी जाएंगी। जब तक उसका माफ करने का इरादा ना हो या उसके दिल में या उसकी जबान पर तुम्हें माफ करने के लिए ना आ जाए, तो याद रखना अल्लाह भी माफ करने वाला नहीं है। तो मामला क्या निकल करके आया कि इबादात जिन पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं हालांकि उनमें भी कमजोर हैं, अल्लाह उनको तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर मामलात में कोई कमी रह गई तो याद रखना अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक के बंदे से माफी ना मांग ली जाए और बंदा माफ ना कर दे। इसलिए हजरत थानवी अलैहि रहमा अपने मुरीदीन से फरमाया करते थे, जरा सुन लो कान खोल करके, अगर तुम्हारे अज़कार के अंदर कोई कमी है, अगर तुम्हारे औरात के अंदर कोई कमी है, अगर तुम्हारे सुबह शाम के आमाल के अंदर कोई कमी है, तो याद रखना उससे मैं सिर्फ नाराज होऊंगा, उसे तलकीन करूंगा कि तुम अपनी अज़कार को मुकम्मल करो, तुम अपने सुबह शाम के आमाल को मुकम्मल करो। लेकिन याद रखना अगर किसी के ताल्लुक से मुझे ये मालूम हो गया कि अपने मामलात में कमज़ोर है, ये लेन देन में कमज़ोर है, ये हाथ का सांप नहीं है, लिहाजा ये कर्ज के मामले में बड़ा कमज़ोर है, तो उससे नाराज नहीं बल्कि उसकी तरफ से मेरे दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, और मैं उससे तब तक नफरत करूंगा जब तक वो अपने मामलात को सही नहीं कर लेगा, जब तक वो अपने लेन देन को सही नहीं कर लेगा, जब तक वो अपने हाथ का साफ नहीं हो जाएगा। याद रखना मैं उससे नाराज तो बड़ी दूर की बात है, उससे नफरत अपने दिल के अंदर बिठा लूंगा। और उसकी कई मिसालें हजरत थानवी अली रहमा की जिंदगी से मिलती हैं। लिहाजा एक मरतबा हजरत थानवी अली रहमा बैठे हुए हैं, एक मुरीद उनके सफर पर से तशरीफ लाते हैं, लाकर के मुसाफा करते हैं। हजरत थानवी ने उनको अपना खलीफा भी बनाया हुआ है, अपना खलीफा और खिलाफत भी उनको दे रखी है। लिहाजा मालूम किया ओ अल्लाह के नेक बंदे सफर कैसा रहा, फरमाते बहुत अच्छा रहा। सफर किस चीज से किया, फरमाते जी ट्रेन से सफर करके आया हूँ। हाँ देखा कि उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, हजरत थानवी से मुसाफा करा करके आ जाऊं, उनसे अपने बच्चे के सर पर हाथ रखवा करके आऊं ताकि
تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ عالم اور حافظ بن جائے۔ لہذا اسی وجہ سے حضرت تھانوی کی خدمت میں لے کر کے آئے تھے۔ حضرت تھانوی نے معلوم کیا کس چیز سے سفر کر کے آئے ہو، فرمایا کہ جی ٹرین سے سفر کر کے آیا ہوں۔ فرمایا پھر تو آپ نے اپنا ٹکٹ لیا ہوگا۔ ہاں ٹکٹ لیا ہے۔ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ اس بچے کی عمر تو 13 سال ہے۔ بتاؤ اس بچے کا ٹکٹ تم نے پورا لیا کہ آدھا لیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی آدھا لیا۔ فرمایا کہ قانون تو یہ ہے کہ اگر 12 سال سے کسی کی زائد عمر ہو جائے تو اس کا ٹکٹ مکمل لیا جاتا ہے، لیکن تمہارا بچہ 13 سال کا ہے، تم نے اس کا پورا ٹکٹ کیوں نہیں لیا؟ تم نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ چنانچہ وہ انہوں نے گردن جھکا لی۔ حضرت غلطی ہو گئی۔ فرماتے غلطی ہو گئی، آپ گورنمنٹ کی چوری کر کے آ رہے ہیں، آپ ریلوے کی چوری کر کے آ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی، لہذا اب تمہاری خلافت کو واپس کیا جاتا ہے، اور جب تک تم اپنے معاملات کو جو چھوٹے سے چھوٹے ان کو بھی ٹھیک نہیں کر لو گے تب تک میں تمہیں خلافت تو دور کی بات اپنے آپ سے بیعت بھی نہیں کروں گا۔ اعمال کے اندر کوئی کمی ہوگی تو صرف ناراضگی، اعمال کے اندر کمی ہوگی تو صرف تنبیہ، اعمال کے اندر کمی ہوگی تو تمہیں بتایا جائے گا کہ اس پر دوبارہ اپنے آپ کو حاصل کر لیا جائے۔ لیکن اگر معاملات میں آپ ذرا سے بھی کمزور پائے گئے تو پھر تھانوی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اشرف سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بیعت بھی ختم کی جاتی ہے، اور جو خلافت تمہیں دے رکھی ہے وہ خلافت بھی آج سلب کر لی جاتی ہے۔ اتنا غصے کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی صرف نماز میں کیا جاتا ہے، ہم صرف سمجھ رہے ہیں کہ روزے رکھ کر کے ہی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، حج کر کے تو یہ سمجھ لو جنت کے مالک ہو گئے، یہاں تک کہ ذرا ذرا سی عبادتوں پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے اسلام پر احسان کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ عبادات صرف اسلام کا ایک حصہ ہے، ابھی 3 حصوں میں تمہارے کاروبار چھپے ہوئے ہیں، ابھی 3 حصوں میں تمہاری معاشرت چھپی ہوئی ہے، ابھی تمہارے 3 حصوں میں لین دین چھپا ہوا ہے، اور آج مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادتوں میں بڑے بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ عبادتوں میں اگر ان کو دیکھا جائے تو نمازوں کی پابندی ایسی جیسے کوئی بڑا علامہ بھی نہیں کر سکتا، چہرے کو دیکھیں تو ایسا کہ کسی بڑے اللہ والے کا بھی نظر نہیں آتا، لہذا کپڑے دیکھیں تو ایسے کہ کسی بڑے اللہ والے کے بھی ایسے کپڑے اور اتنی نورانیت نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ان سے ذرا سا معلوم کر لیا جائے کہ بھائی فلا آدمی کے پیسے کیوں نہیں دیتا تو دماغ میں سلوٹیں آ جاتی ہیں، فلا کا قرضہ کیوں نہیں دیتا تو غصے سے لال ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے اپنی بیوی پر کیوں ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ بات ان کو کیسے معلوم ہوئی۔ یاد رکھنا اللہ کے نیک بندے، اگر تو عبادت میں مضبوط ہے تو ابھی اسلام پر مکمل مضبوط نہیں ہے، جب تک کہ تیرا کاروبار، تیرا لین دین، تیری معاشرت اسلام کے مطابق نہیں ہو جاتی تو مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا، مکمل اسلام پر عمل کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے، اس لیے علماء نے سب سے زیادہ زور اگر کسی چیز پر دیا ہے، اور شریعت کو چھوڑ دیجئے، آپ قرآن کو اٹھائیے مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جس کو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے یہ سب سے بڑی آیت کس تعلق سے نازل ہوئی ہے، تو علماء مجھے اور آپ کو فرمائیں گے یہ معاملات کے لین دین کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا، تو علماء فرمائیں گے اس میں بیان کیا گیا او لوگوں جب اپنے معاملات کرو، جب کسی کو قرض دو یا کسی سے قرض لو، جب اپنے معاملات کرو تو اس معاملات کو لکھ لیجئے، اس لکھ کر کے گواہ بنا لیجئے۔ لہذا یہ شریعت کا سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑی آیت کے اندر دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت نماز کے تعلق سے ہوگی، روزے کے تعلق سے ہوگی، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہوگی، دعوت و جہاد کے تعلق سے ہوگی، لیکن نہیں نہیں، ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے
سے اے علماء کی جماعت اللہ نے اس آیت کے اندر کیا چیز بیان فرمائی ہے؟ تو علماء فرمائیں گے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض، روزے رکھنا فرض، حج کرنا فرض، اسی طریقے سے آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں ان کا لکھنا اور لکھ کر کے گواہ بنانا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ آپ کسی سے معاملات کر رہے ہیں لکھیے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے تاکہ آپ آنے والے جھگڑوں سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ آپ آنے والی ٹال مٹول سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ آپ ہونے والی نفرتوں سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ آپ ہونے والی دشمنی سے محفوظ ہو جائیں۔ اور یہ خالی غیروں کے لیے نہیں بلکہ علماء فرما رہے ہیں اگر بیوی اور شوہر بھی آپس میں کوئی معاملات کر رہے ہیں تو لکھیے اور لکھ کر کے گواہ بنائیے، یہاں تک کہ بیٹا اور باپ آپس میں معاملات کر رہے ہیں تو لکھیے اور گواہ بنائیے، یہاں تک کہ جب باپ بیٹے اور شوہر اور بیوی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات کو لکھیے، اپنے آپس کے لین دین کو لکھیے، آپس کے قرض کو لکھیے، آپ میں کیا طے ہوا لکھیے اور لکھ کر کے گواہ بنائیے، تو پھر باہر کے لوگوں کو کیسے میں اور آپ ایسے معاملات کر لیتے ہیں؟ چل تو نے 10,000 دے دیے میں نے لے لیے، لکھت میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، گواہ کوئی بھی نہیں ہے، اب میں اور آپ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں ہیں، جانتے ہو کس وجہ سے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ ذرا سی دیر کی برائی آپ کو لگے گی، دل کو چوٹ لگے گی، سامنے والے کو ذرا سا برا لگے گا، لیکن آپ برا لگنے دیجئے، یہ بعد کے ہاتھ اٹھانے سے بہتر ہے، یہ بعد کی چگلیوں سے بہتر ہے، یہ بعد کے الزام لگانے سے بہتر ہے، یہ بعد کی نفرتوں سے بہتر ہے۔ اب ذرا سی برائی لے لیجئے، آپ سے کوئی پیسے لینے کے لیے آیا، جی مجھے ایک مہینے کے لیے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے آپ میری کاپی کے اندر لکھ دیجئے، آپ دو آدمیوں کو گواہ بنائیے، آپ لے جائیے، 50,000 لے گئے، ایک مہینے کا وقت آپ نے لیا ہے، لہذا اب یہ بتاؤ کہ ان معاملات کے اندر کوئی کمی آئے گی؟ آپس کے اندر نفرت پیدا ہوگی؟ جب تین آدمیوں سے آپ کہیں گے اور آپ لکھا ہوا دکھائیں گے، اس کے سائن دکھائیں گے، تو یاد رکھو وہ لوگ آپ کی طرف سے طرفداری کریں گے، کیونکہ زبان کی کوئی بات تسلیم نہیں کرتا، اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو سب آپ کا یقین کریں گے۔ لیکن ان چیزوں کو میں اور آپ دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو میں اور آپ شریعت سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہیں سمجھتے تو پھر لڑو اور جھگڑو، نہیں سمجھتے تو پھر آپس میں نفرت کرو، نہیں سمجھتے تو آپس میں دوسرے پر الزام لگاؤ۔ نفرتوں کی اکثر وجہ یہی ہے کہ ہم معاملات میں صحیح نہیں ہیں، ہم معاملات میں شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہم معاملات میں اسلام کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے معاملات کو بڑے صاف رکھا کرتے تھے اور اپنے تمام کے تمام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا کرتے تھے کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے جتنے حضرات ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی مضبوط ہو جائیں، لین دین میں بھی مضبوط ہو جائیں، قرض کے خاص طور سے لین دین میں مضبوط ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آج بھائی بھائیوں میں نفرت ہے، آج باپ بیٹوں کے اندر نفرت ہے، ذرا معلوم کریں باپ بیٹوں کے اندر نفرت کیوں ہے، ذرا معلوم کریں آپس کے بھائی بھائیوں میں نفرت کیوں ہے، تو وجہ معلوم ہوگی نفرت مکان کی وجہ سے ہے، وجہ معلوم ہوگی نفرت کاروبار کی وجہ سے ہے، وجہ معلوم ہوگی ہاں نفرت پلاٹوں کی وجہ سے ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارا باپ زندہ تھا تو بڑا بیٹا ہاں کافی محنت کے ساتھ پیسہ لگایا کرتا تھا اور چھوٹے بھائی بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا کرتے تھے، لہذا لیکن ان تمام چیزوں کو لکھا نہیں گیا جس کی وجہ سے آج بھائی بھائیوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ مکان تو میرا ہے، اس مکان میں تو میں نے بڑی محنت سے پیسہ لگایا ہے، چھوٹے بھائی سے معلوم کریں تمہارا کہاں ہے حصہ، وہ بھی کہے گا میں بھی کما کما کر کے اپنے باپ کو دے رہا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر کے کام کر رہا تھا،
आज बड़े भाई ने अपना मकान बना लिया, लेकिन छोटा भाई ऐसे दर दर की ठोकरे खा रहा है। जानता है ये दिक्कत कहां से आई, दुश्वारी कहां से आई। काश अगर उस वक्त में ये तय कर लिया जाता कि जब बाप के साथ भाई मिलकर के काम कर रहे थे, जब बाप के साथ मिलकर के बेटे काम कर रहे थे, तो उस वक्त में तय कर लिया जाता कि ये भाई का हिस्सा है और इतना हिस्सा लग चुका है, ये छोटे भाई का हिस्सा है और इस मकान में इतना हिस्सा छोटे भाई का लग चुका है। बाकायदा छोटा भाई अपनी धाड़ी को तय करता अपने बाप से और अपने बड़े भाई से, मेरी 500 रुपए की झाड़ी है आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? ये घर घर की कहानियां हैं जो बाद में नफरत का सबब बनती हैं, जो बाद में झगड़ों का सबब बनती हैं। छोटे भाई से मालूम करें, तेरे बड़े भाई ने मकान बना लिया, तूने क्यों नहीं बनाया? वो क्या कहता है कि जी हजरत, मैं जब से जवान हुआ काम में लगा, अपने भाई के साथ काम में लगा हुआ था। ये मुझे कुछ खर्च के लिए पैसे दे दिया करता था, ये मुझे कुछ अपनी जेब खर्च के लिए पैसे दे दिया करता था, वरना तमाम के तमाम पैसे मेरे बड़े भाई की जेब में रहा करते थे। बड़े भाई से मालूम करो, अरे जब तुम दोनों आपस में मिलकर के काम कर रहे थे, तेरा मकान तो बन गया, तेरे छोटे भाई का क्यों नहीं बना? तो वो कहेगा, इसने अय्याशियों में पैसे उड़ाए, इसने घूम फिरने में ज्यादा पैसे उड़ाए, इसने कपड़े जूते पहनने में ज्यादा पैसे उड़ाए, मैंने जोड़ करके रख के इसलिए मकान बना लिया। और छोटे भाई को कह दिया गया कि इसने तो अपना पैसा सारा घूमने फिरने और खाने पीने में बर्बाद किया है। कैसे हालात नहीं हो रहे हमारे घर के? इसलिए शरीयत कहती है, जब बाप के साथ बड़ा बेटा काम करे तो तय कर ले कि वालिदे मोहतरम, आप मेरे वालिदे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कल मेरी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे और मैं आपके मकान में बराबर का शरीक हो रहा हूं। ये जो पैसे मैं लगा रहा हूं इनको लिख लीजिए, ये जो मैं पैसे लगा रहा हूं इनको जरा तरतीब दे लीजिए, ताकि कल अगर भाइयों में आपस में बात आए तो मेरा हिस्सा आपकी विरासत से अलग कर दिया जाए कि ये मैंने अपना हिस्सा अपने खून पसीने की कमाई से लगाया था। लिहाजा अगर ये तमाम चीजें हमारी तय हो जाएं, बड़े भाई का हिस्सा तय हो, छोटे भाई की मेहनत तय हो, उससे छोटे भाई की मेहनत तय हो, तो याद रखो आज तो जरा सा बुरा लगेगा लेकिन कल की नफरत से आप बच जाएंगे, कल के लड़ाई झगड़े से आप बच जाएंगे, कल की भाई भाइयों की दुश्मनी से आप बच जाएंगे। आज एक मकान है, बड़ा भाई कहता है ये तो मैंने बनाया है, बाप कहता नहीं नहीं ये तो मैंने बनाया है, छोटे भाई कहते तो हम भी कमा कमा करके आप ही को तो दे रहे थे, आज कैसे हमको घर से अलग कर दिया गया, हमको घर से बाहर खड़ा कर दिया गया। लिहाजा ए अल्लाह के नेक बंदो, इसीलिए शरीयत कह रही है कि अपने मामलात को तय कर लिया जाए। घर में रहते हो, छोटा भाई है, बाप के साथ काम करता है, क्यों तय नहीं करता अपनी झाड़ी? अगर तेरी जगह कोई और काम करता, कोई और कारीगर काम करता, क्या तेरे वालिदे मोहतरम उसे झाड़ी नहीं देते? क्या तेरा बड़ा भाई उसका इसके दिन की झाड़ी तय नहीं करता, उसके दिन की मेहनत मजदूरी तय नहीं करता? आप क्यों तय नहीं कर रहे हैं? तय कीजिए कि ये जो हिस्सा लगाया जा रहा है, ये बाप के साथ मेहनत का हिस्सा है या मेरी मेहनत है या बाप का हम वैसे ही मोहब्बत में साथ दे रहे हैं। तमाम की तमाम बातें तय करिए ताकि कल को आपके वालिद की जब आंखें बंद हो जाएं तो आपके अंदर कोई लड़ाई और झगड़ा ना हो। बेटा, बड़ा बेटा कहे ये मैंने बनाया है, भाई का क्या लगा हुआ है, थोड़े से ही तो लगे हुए हैं। आप उन थोड़ों सों को भी लिखिए, उन थोड़ों सों को भी लिखिए, वरना सुनने वाले क्या कहेंगे, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर जुल्म किया है भाई, अपने भाई का हिस्सा खा गया भाई, अपने भाई को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। कोई आपकी जबान से नहीं सुनेगा बल्कि आपको देखेगा आप कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर आपका मामला लिखा हुआ होगा तो
कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, और कोई से क्या लेना, हमें तो अपने अल्लाह को दिखाना है। छोटे भाई का हिस्सा न दब जाए, बड़े भाई का हिस्सा न दब जाए। इसी तरीके से जो बाप हमारा अपना माल छोड़ करके गया है, उसमें बहनों का भी तो हिस्सा है, वो हिस्सा न दब जाए। लिहाजा जब देखती हैं बहनें कि हमारे भाई आपस में लड़ रहे हैं, मकान के ऊपर लड़ रहे हैं, प्लॉट के ऊपर लड़ रहे हैं, वो बेचारी तो अपनी जबानों को बंद रखती हैं कि जब इन्हीं का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है तो हमारा हिस्सा इस मकान में कहाँ होगा। बहनें तो बेचारी वैसे डर की वजह से खामोश रहती हैं। बहनें बेचारी क्या कहेंगी, अभी तो भाइयों का फैसला नहीं हो रहा है, अगर हम कह दें कि हमारा भी हिस्सा है तो ये तो और ज्यादा नफरत की रास्ता निकल करके आ जाएगा। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमा रहे हैं मेरा और आपका अल्लाह कि आपस में एक दूसरे के माल ना हक और बातिल तरीके से मत खाओ, बल्कि एक दूसरे के हुकूक अदा करो। बाप को चाहिए कि अपने बेटों के हिस्से लिखे, जो बेटों से वो काम ले रहा है, जो बेटों से वो मेहनत ले रहा है, अपने बेटों की तरतीब बनाए कि इन्होंने कब से कब तक कितना काम किया है और इस काम की कितनी मजदूरी बनती है और वो मजदूरी मैंने इनकी कहाँ लगाई है, मकान में लगाई है या प्लॉट में लगाई है। लिहाजा उसको लिख करके रखें ताकि आने वाले वक्त में कोई झगड़ा ना हो। जब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो आप कह दो कि इसमें बड़े बेटे का इतना हिस्सा है, छोटे बेटे का इतना हिस्सा है, बाकी मेरी वरासत है, मेरी वरासत से मेरे बच्चों में भी तकसीम किया जाए, मेरी बच्चियों में तकसीम किया जाए। अगर हम इन मामलात को लिखें, ऐ अल्लाह के नेक बंदे जरा गौर कर कि हमारे घरों के आधे झगड़े खत्म नहीं हो जाएंगे। बाज मकानों पर बिजली के बिल के ऊपर लड़ाई चल रही है, घर में तो छोटा भाई भी रहता है, वो बिल क्यों नहीं देता, बड़ा भाई भी रहता है, मैं हर महीने देता हूं, छोटा क्यों नहीं देता। ये दरा दरा से झगड़े मेरे और आपके घरों को खराब किए हुए हैं। क्यों नहीं लिखते आप घर के खर्चों को, 15,000 का खर्च है, उसमें बिल भी है, राशन भी है, सब चीज है, उसे क्यों नहीं लिखते कि तीन के तीन बेटे 5,000 रुपए खर्च करेंगे। ये क्या हो रहा है कि बिल आया तो बड़ा भाई, इसी तरह आटे की जरूरत पड़ी तो छोटा भाई, सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो उससे छोटा भाई, और आम आपस के अंदर सारे के सारे ये समझ रहे हैं कि नहीं घर को मैं चला रहा हूं, सिलेंडर लाने वाला समझ रहा है कि नहीं नहीं बड़ा नहीं मैं चला रहा हूं, आटा लाने वाला समझ रहा है कि नहीं नहीं वो नहीं मैं चला रहा हूं। लिहाजा इसी तरीके की नफरत हमारे घरों के अंदर घुसी हुई है, हमने कुछ तय नहीं कर रखा है अपने घर को चलाने का तरीका, हमने कोई सलीका तय नहीं कर रखा है। अगर आप बराबर काम करने वाले, बराबर कमाने वाले, तो घर के हिस्से में भी बराबर तय कर दीजिए, कोई नफरत की बात नहीं होगी, कोई झगड़े की बात नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों, मेरे और आपके घरों के झगड़े सिर्फ इन्हीं दरा दरा सी बातों की वजह से हैं, इन छोटी छोटी बातों की वजह से हैं जिन पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुरान कह रहा है कि अपने मामलात को साफ रखें, खासतौर से अपने घरों के मामलात को साफ रखें। आज तो भाई भाइयों में आपस में मोहब्बतें हैं, लेकिन नफरतों के चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ये मोहब्बत नफरत में कब बदल जाएगी, वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अपने घरों के मामलात तय कीजिए, अपने घरों के मामलात साफ कीजिए। ये बड़ी अंदर और माशरत की गुफ्तगू आप हजरात से करने लगा हो, और हो सकता है ये बातें दिलों पर टच कर रही हो सकता है ये बातें आपको, हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपस में पछता रहे होंगे, और कुछ लोग ये समझ रहे होंगे ये क्या बात करने लगा। हमारे घर की मोहब्बत देखेगा तो इसको पता चल जाएगा, हमारे भाइयों की मोहब्बत देखेगा तो इसको पता चल जाएगा। अल्लाह के बंदे, आज मोहब्बत है क्योंकि बाप का साया सर पर है, माँ का साया सर पर है, कल जब ये साये खत्म हो जाएंगे ये मोहब्बत कब नफरत में बदल जाएगी तुझे भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आज मोहब्बत है, मोहब्बत में इन चीजों को तय कर ले, मोहब्बत में अपने मामला साफ कर ले। इसलिए बाप को भी चाहिए कि अगर तेरा बड़ा बेटा कमाने लगा है तो उसकी कमाई को लिखना शुरू कर दे, अगर उससे छोटा बेटा कमाने लगा है तो उसकी कमाई को लिखना शुरू कर दे, और यह भी लिख इसने अपनी कमाई मकान के किस हिस्से में लगाई है, ये भी लिख इसकी जमीन में कौन से हिस्से में इसकी कमाई लगी हुई है। अगर तुझे कल को अपने बेटों को लड़ाई और झगड़े से बचाना है, अगर उन्हें आप
कर दे और लिख करके अपने पास रख, अगर ऐसी दुनिया से रुखसत हो गया तो देखने वाला लिखे हुए को देख ले कि बड़े भाई की मकान में इतनी रकम लगी हुई है, छोटे भाई की मकान में इतनी रकम लगी हुई है। मिसाल के तौर पर 10 लाख का मकान है, 1-1 लाख दोनों भाइयों के लगे हुए, दो भाइयों के 1-1 लाख अलग कर दे, अब 8 लाख में वरासत तकसीम कर, तेरी बेटियों को भी वरासत मिलेगी, तेरे छोटे बच्चों को भी वरासत मिलेगी। वरना 1-1 लाख रुपए लगाकर बड़ा भाई मकान का मालिक बनना चाह रहा है, 1 लाख रुपए लगाकर छोटा भाई मकान का मालिक बनना चाह रहा है, और छोटे भाई जो नाबालिग हैं उनका कोई हिस्सा नहीं, बहनें उनका कोई हिस्सा नहीं। यहां तक ऐसा हो रहा है हमारे घरों के अंदर कि अगर बाप बूढ़ा हो गया, अगर माँ कमजोर हो गई और घर में कुंवारी बेटियां हैं, कुंवारी बच्चियां हैं, जैसे ही ये बड़ा बेटा कमाने के लायक हुआ, अपने घर से खिसकना शुरू हो गया, अपने घर से अलग होना शुरू हो गया। और अल्लाह के बंदे, बहनों का कौन करेगा? ये बहनें जो जवान हो गई तो अपना हिस्सा लेकर के अलग होना चाह रहे हैं, इन बच्चियों का कौन करेगा? लिहाजा ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम लिख नहीं रहे हैं। और एक मसला और आप हजरात को बता दूं, जब तक आप जिंदा हैं बेटे का कोई हक नहीं कि आपसे अपना हिस्सा मांगे, क्योंकि आपकी कमाई में बेटे का हिस्सा नहीं है, अभी आप ही की कमाई है जब तक आप जिंदा हैं। और सुन लेना नौजवान कान खोल करके, अगर तुम्हारा बाप दुनिया के अंदर है तो तुम्हारा उसके मकान और जमीन में कोई हिस्सा नहीं, याद रखना। अगर तुमने अपना पैसा लगा रखा है, सिर्फ वही हिस्सा आपका है, आप उसको लीजिए, जो चाहे करिए, लेकिन बाप के मकान में जब तक बाप जिंदा है तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, बाप के पलौटों में जब तक बाप जिंदा है तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, बाप की जमीनों में जब तक बाप जिंदा है तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। बाप की मर्जी है चाहे जिसको जितना दे दे, बाप की मर्जी अपनी बेटियों का बेच करके निकाह करे, बाप की मर्जी है वो जिसको चाहे, जिस औलाद को चाहे जितना दे दे। हिस्सा तब होता है जब बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है, वरासत जब होती है जब बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसलिए हमारे घरों के अंदर आधे झगड़े इसी वजह से हैं कि बेटे अपने बाप से हिस्से मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती? किस चीज का हिस्सा? मेहनत तो तेरे बस की नहीं है, किस चीज का हिस्सा? मकान बिकवाने के चक्कर में लगा हुआ है, 10 लाख का मकान बिकेगा, 3 भाई हैं, 3-3 लाख आ जाएंगे, इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं तो किराए पर रह लूंगा, 3 लाख मुझे उड़ाने को तो मिल जाएंगे, 3 लाख मुझे खाने पीने को मिल जाएंगे, घूमने फिरने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए मैं वालिदों से भी कहता हूं, जब तक आपके बदन में जान है कोई जरूरत नहीं है अपनी औलाद को हिस्से देने की, अपने आप को बर्बाद करने की। लेकिन हां, अगर बाप दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर बाप दुनिया से रुखसत हो जाए, अब सबसे पहली जिम्मेदारी बड़ों की यह है कि उनमें आपस में तकसीम की जाए। ये ना समझे कि अभी मिट्टी ठंडी भी नहीं हुई है, अभी जनाजा उठा भी नहीं है, अभी बाप कब्र में हाथ सुकून से सोया भी नहीं है, लिहाजा अब हम कैसे अभी से तकसीम कर ले, लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अगर अपने बच्चों को नफरतों से, अपने खानदान को नफरतों से बचाना, फौरन तकसीम कर दीजिए, फौरन उनके हिस्से तकसीम कर दीजिए। ये इतना माल है, आप फौरन उनके अंदर बंटवारा कीजिए, ये वाजिब है, जरूरी है। उसमें भाइयों का भी हिस्सा निकालिए, उसमें बहनों का भी हिस्सा निकालिए। ओ अल्लाह के नेक बंदो, जरा गौर करो, अगर हम ये मामलात लिख करके रखेंगे तो बहुत सारी नफरतें हमारी आपस में कम हो जाएंगी। ज्यादातर यही झगड़े घरों में, घरों के, मकान के, कारोबार के, बड़ा भाई नहीं कमाता, छोटा भाई बैठ करके खाता है, सिर्फ यही तो नफरतें हमारे घरों के अंदर हैं। इसलिए शरीयत के अंदर इबादात के बाद सबसे अहम चीज कोई है तो वो मामलात हैं। अपने सबसे पहले घर के मामलात को ठीक कीजिए, अपने घरों के मामलात को लिखिए, बड़ा भाई कितना कमा रहा है लिखिए, छोटा भाई कितना कमा रहा है लिखिए, बाप कितनी जमीन और कितने मकान का मालिक है वो भी लिखिए, ताकि आप आने वाली नफरत से बच जाएं। वरना जब आपके सर से बाप का साया खत्म होगा तो फिर छोटा भाई जगह जगह शिकायतें करता फिरेगा, और शिकायतें करना तो दूर की बात, अगर भाई ने जरा सा भी हक दबाया होगा तो याद रखना वो छोटे भाई का हक
दबाने वाला होगा। इसलिए अपने भाइयों पर एहसान का मामला कीजिए, बिल्कुल उनको अलग थलग न छोड़िए। आज हम देख रहे हैं कि एक भाई का बड़ा अच्छा मकान और महंगा मकान है, और एक छोटा भाई बेचारा किराए के मकान पर रहता है, एक कमजोर से मकान के अंदर रहता है। हम मालूम करें ऐसा क्यों है, तो छोटा भाई बतलाता है जी मैंने अपने बड़े भाई के साथ रहकर अपने वालिद साहब के साथ काम किया, लेकिन हम कमाते रहे और बाप को देते रहे, मैं कमाता रहा अपने बड़े भाई को देता रहा। भाई से मालूम करें, भाई ये तेरा छोटा भाई क्यों मीरान फिर रहा है, क्यों क्यों इसके पास अपना मकान नहीं है। वो कहते जी इसने ऐसे ही उड़ा दिया, मैं तो इसके इतने पैसे देता था, ईद पर इतने देता था, बकरीद पर इतने देता था, इसके साले की शादी हुई इतना दिया, इसकी साली की शादी हुई इतना दिया, सारा खर्चा बड़े भाई ने उसी के ऊपर डाल दिया। आज बड़े भाई का मकान है और छोटा भाई दर दर के ठोकरे खा रहा है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि उसकी मेहनत को लिखा नहीं गया। छोटे भाई बड़े भाइयों ने अपनी मेहनतों को लिखा नहीं। इसलिए घर के मामलात को साफ कीजिए, आप उसकी नफरतों से बचे रहोगे, आप उसके लड़ाई और झगड़ों से बचे रहोगे। वरना इतनी मोहब्बत भाइयों के अंदर होती है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर के घुमाता फिरता है, और जैसे जवान हुए नफरत हो गई। इसकी वजह यह होती है कि अपने मामलात हम नहीं लिख रहे हैं, अपने मामलात हम साफ नहीं रखते हैं। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, शरीयत का तीन बड़े हिस्से मामलात के अंदर हैं। अपने मामलात को सही कीजिए, अपनी मुआशरत को ठीक कीजिए, खास तौर से अपने आप को किसी का हक दबाने से बचाइए, अपने भाइयों का हक दबाने से बचाइए, अपनी बहनों का हक दबाने से बचाइए। और याद रखो, जैसे ही बाप दुनिया से रुखसत हो गया, आपस में तकसीम कीजिए। हजरत डॉक्टर अब्दुल हय रहमतुल्लाह अलैह लखनवी, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं कि मौलाना शफी उस्मानी जो मेरे वालिदे मोहतरम हैं, जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान हैं, हाँ दुनिया से रुखसत हो गए। जैसे ही दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत डॉक्टर अब्दुल हय खबर मिलते ही फौरन घर पर तशरीफ लाए। लाने के बाद हजरत मुफ्ती तकी फरमाते हैं कि मैंने वो खमीरा जिसको वालिदे मोहतरम खाया करते थे, मैंने वो लाकर के उनके सामने पेश कर दिया। हजरत इसमें से तनाउल फरमा लीजिए। तो हजरत डॉक्टर अब्दुल हय फरमाते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे वालिद साहब इस खमीरे के मालिक थे, लेकिन ये अब दुनिया से रुखसत हो गए। अब ये खमीरा वरासत में रखा जाएगा, वरासत में तकसीम होगा। जब इसकी तकसीम हो जाएगी तब इसका हक किसी को खिलाने का होगा, वरना मेरा इस पर कोई हक नहीं। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते, हजरत आप सुकून से खाइए, हम तमाम के तमाम बालिग हैं और तमाम की तमाम की इजाज़त है। जब पूरे घर की इजाज़त मिल गई, भाइयों की बहनों की, फिर हजरत ने उसमें से एक चम्मच खाया। ये मुझे और आपको सबक है। आज बाप का इंतकाल हो गया, बड़ा भाई दावतें उड़ा रहा है, हालांकि अभी नाबालिग भाई घर में हैं, अभी नाबालिग बहनें घर में हैं। अगर नाबालिग भाई बहन इजाज़त भी दे दें तब भी शरीयत उनकी इजाज़त को नहीं मानती, क्योंकि अभी नाबालिग हैं। लेकिन बड़ा भाई दावतें उड़ा रहा है उस सारे मान से, देवे पका करके रिश्तेदारों को बुला रहा है। आज आज कुरान खानी है, कल को वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए 10 देव उतरनी है, उससे आगे वाले दिन में 20 देव उतरनी है। कहां से उतार रहा है? ज्यादातर अपने बाप के माल से उतारते हैं। बड़ा भाई अपनी कमाई से उतारे ये अलग बात, लेकिन याद रखना, बाप जो दुनिया से रुखसत हो गया बगैर भाई और बहनों की इजाजत के, एक देख तो क्या एक लुकमा भी किसी को नहीं दे सकता। लेकिन हमारे यहां तो बाप के माल से देगे उतरती हैं, बाप के माल से मेहमान नवाजियां हो रही हैं, और नाबालिग भाई बहनों को भी कुछ मालूम भी नहीं है कि हमारे वालिद का पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। याद रखना, हराम और नाजायज है। पहले भाइयों में बहनों में तकसीम कीजिए, उसके बाद जो तुम्हारे हिस्से में आए उसमें से खूब खर्च करिए। ये क्या कि बाप के मरते तुमने खर्च करना शुरू कर दिया? आपको इजाजत नहीं है। ये खाली बड़े भाई का हिस्सा नहीं, इसमें बहनों का भी हिस्सा है, नाबालिग भाइयों का भी हिस्सा है, और वो बगैर इजाजत के आपको जायज नहीं होगा, और नाबालिग की इजाजत कबूल नहीं है। अगर छोटे भाई इजाजत भी दे देंगे तब भी उनकी इजाजत मानी नहीं जाएगी। इंशाल्लाह अमल करेंगे ना अपने घर के मामले में, अपने घरों के मामलात को लिखेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हम आपस की नफरतों से बच जाएं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे दे। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ने। वाखिर दावा हुम अल हम्दुलिल्लाह।